मैं नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। चुनाव चाहे किसी भी स्तर का हो, उसके लिए जातिवाद को साधना बेहद जरूरी हो जाता है। और अगर आप भारत जैसे देश में रह रहे हैं तो इन बातों का कुछ ज्यादा ही ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि भारत देश अनेकताओं में एक, यही भारत का संदेश है, वो भारत की तरफ से मिलता है। बहरहाल ऐसा ही माहौल राजस्थान और प्रदेश के कुछ सटे हुए राज्यों में देखने को मिल रहा है, जहां जाट और राजपूत समाज में चुनाव से पहले आक्रोश नजर आ रहा है। राजपूत समाज की नाराजगी सोशल मीडिया पर भी दिखाई दे रही है, जहां भाजपा और रूपाला को लगातार ट्रोल किया जा रहा है। कह सकते हैं कि गुजरात में लगी आग जल्द शांत नहीं की गई है, तो खामियाजा भाजपा को अन्य राज्यों में भी भुगतना पड़ सकता है। भाजपा आलाकमान राजपूत और जाट समाज पर लगातार नजर गड़ाए हुए है। गुजरात में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा राजपूत समाज पर की गई टिप्पणी के बाद में सोशल मीडिया पर राजपूत समाज का गुस्सा देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर समाज के लोग द्वारा अपील, बीजेपी को वोट नहीं देने की अपील की जा रही है। इस बार बीजेपी को वोट नहीं देना है, ट्रेंड होता दिखाई दे रहा है। राजपूत समाज कितना नाराज है। राजपूत समाज सोशल मीडिया पर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से पिछले 10 साल के कार्यकाल को लेकर सवाल खड़े कर रहा है और अपने समाज के अग्रणी नेताओं को पीछे का धकेलने का आरोप भी लगाते हुए बीजेपी को अब चुनौती दे रहे हैं। चुनाव से पहले बीजेपी अगर राजपूत समाज की नाराजगी दूर नहीं करती है तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। इधर राजपूत समाज और उधर जाट समाज की भाजपा से नाराजगी चल रही है, सोशल मीडिया पर जाहिर है, जहां लगातार राजपूत समाज अपनी नाराजगी दिखा रहा है। कुछ ऐसे ही वीडियोस में पहले आपको दिखा देती हूँ। और जालौर के राजपूत, हम और जालौर के राजपूत इस बार ये सौगंध खाकर संकल्प लेते हैं कि ये सौगंध खाकर संकल्प लेते हैं कि भाजपा को वोट नहीं देंगे, अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी पगड़ी की इज्जत के लिए, भाजपा को हराने का काम करेंगे। चुनाव तक अगर यही हालात रहे तो भाजपा के मिशन 25 के लक्ष्य पर आंच आने में देर नहीं लगेगी। पिछले चुनाव में कुल वोट लगभग 4.5 करोड़ के आसपास थे, जिनमें जाट समुदाय की आबादी 14% जाट है, जबकि राजपूत समाज की आबादी 13% है। कह सकते हैं कि जाट राजस्थान में सबसे अधिक आबादी वाली जाति है, जबकि देश में राजपूतों की आबादी 7.5 करोड़ है, जो कुल आबादी की 5% है। आमतौर पर राजपूत समाज को बीजेपी का मूल वोट बैंक माना जाता है, लेकिन पिछले दिनों गुजरात में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा राजपूत समाज पर की गई टिप्पणी के बाद मारवाड़ में राजपूत समाज में नाराज है जो चल रहा है। दूसरी ओर जाट समाज ने भाजपा को तेवर दिखाए हैं, जिन्हें मनाने की कमान खुद राजस्थान सीएम भजन लाल शर्मा ने ली है। एन चुनाव से पूर्व राजस्थान के 2 मजबूत वोट बैंक राजपूत और जाट समाज के नाराजगी भाजपा के लिए सिर दर्द बन गया है। भाजपा आलाकमान जाट समाज और राजपूत समाज की नाराजगी को दूर करने के लिए दिग्गज नेताओं को जमीन पर उतार रही है। रिपोर्ट के मुताबिक जोधपुर से नाराज राजपूत समाज ने इस बार चुनाव में बीजेपी को वोट नहीं देने का निर्णय लिया है। इससे पहले जालौर में भी राजपूत समाज के लोगों ने मंदिर में माता जी के सामने शपथ ली थी कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में मतदान नहीं देंगे। और अगर यही हालात रहे तो राजस्थान में भाजपा के मिशन 25 पर ग्रहण लग सकता है। इन सब पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहें द फैक्ट इंडिया। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।